ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 20 दिसंबर 2020, रविवार का दिन है। अघन मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है जिसे चंपा षष्ठी के रूप में मनाया जाता है। शतभिषा नामक नक्षत्र रहेगा। कुंभ राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। दिशाशूल की अगर हम बात करें तो पश्चिम दिशा में रहेंगे, इसलिए पश्चिम दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी साबित होगा। यदि किसी कारणवश पश्चिम दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो पान खा करके यात्रा शुरू कर सकते हैं। राहु काल जो कि शाम को 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया काम आपको नहीं करना चाहिए। दैनिक ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव जो कि धनु राशि में, वहीं चंद्रमा कुंभ राशि में, मंगल ग्रह मीन राशि, बुध ग्रह धनु राशि में, गुरु ग्रह मकर राशि में, शुक्र वृश्चिक राशि में, शनिदेव मकर राशि में, राहु वृषभ तथा केतु वृश्चिक राशि में विराजित रहेंगे। इस दैनिक ग्रह गोचर के अनुसार वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ, ये 7 राशियां सबसे अधिक भाग्यशाली रहने वाली है। दिन इनके लिए लाभ प्रसिद्ध होगा। धन लाभ के साथ साथ मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का उत्तम योग इनके लिए बनने वाला है। कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, प्रगति होगी। जो काम पिछले दिनों इनके द्वारा किए गए हैं उसमें भी इनको अच्छा फायदा होगा। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। दोपहर बाद परिस्थितियां आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगी, इसलिए बेहतर होगा कि दिन की शुरुआत अपने कार्य संबंधी सारी तैयारियां कर ले, रूपरेखा तैयार कर ले। विद्यार्थियों को मेहनत के उचित परिणाम हासिल होंगे। युवा वर्ग अपने भविष्य को लेकर के अधिक सक्रिय रहेंगे। रुका हुआ पैसा मिलेगा, अटका हुआ काम भी आपका बनने वाला है। किसी मित्र के साथ में या रिश्तेदार के साथ वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है। वैवाहिक जीवन उत्तम रहेगा, स्वास्थ्य अति उत्तम रहेगा। अपने विचारों को पॉजिटिव तरीके से आपको प्रस्तुत करना चाहिए। आपका प्रस्तुतिकरण बहुत प्रभावशाली रहेगा। लोग आपसे प्रभावित होंगे, आपको पसंद भी करेंगे। और उपाय के रूप में हनुमान जी के मंदिर में गुड़ चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 8 होगा। भाग्यशाली रंग आपका सफेद होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। कुछ समय से चल रहे तनाव से आज आपको राहत मिलेगी तथा आप पुनः अपने अंदर भरपूर आत्मविश्वास और ऊर्जा महसूस करेंगे। घर की सुख सुविधाओं संबंधी जरूरतें पूरी करने का आपका पूर्ण प्रयास रहेगा। आय के नए नए सोर्स बनने की संभावना है। अधिकतम व्यस्तता के कारण आप घर पर आराम नहीं कर पाएंगे। संतान की वजह से कोई चिंता बनी रहेगी, परंतु गुस्से के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का समाधान आप निकालेंगे तो अधिक उचित रहेगा। नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी न होने दें। व्यावसायिक कार्यों में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी तथा नौकरी में भी आपके सभी अटके हुए काम बनने लगेंगे। सरकारी नौकरियों व्यक्तियों के लिए आज दिन महत्वपूर्ण है। कहीं किसी विशेष सूचना या समाचार का उनको इंतजार रहेगा। कभी कभी आपका उत्तेजित स्वभाव आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव उत्पन्न कर सकता है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। उपाय के रूप में गणेश जी के मंदिर में बेसन से बनी मिठाई चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 5 होगा। भाग्यशाली रंग आपका नीला होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। अगर प्रॉपर्टी संबंधी कोई चर्चा चल रही है तो उसमें भी आपको अच्छा फायदा होगा। तुरंत उस पर अमल करें। इस समय ग्रह स्थितियां आपके पक्ष में हैं। आपको निश्चित तौर से सफलता प्राप्त होगी। धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। आत्मिक उन्नति होगी। घर में किसी बात को लेकर के कलह की या वैचारिक मतभेद की उत्पत्ति हो सकती है। संतान की गतिविधियों पर नजर रखने की आवश्यकता होगी। ससुराल पक्ष और मामा पक्ष से संबंध मधुर बनाकर रखें। यात्रा करनी आपको पड़ेगी। यात्रा से आपको फायदा भी होगा। कार्य क्षेत्र में व्यापारिक रूप से आपको फायदा होगा। कार्य प्रणाली में थोड़ा परिवर्तन करने की आवश्यकता है। उपाय के रूप में घर से निकलते समय इलायची खाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 6 होगा। भाग्यशाली रंग आपका लाल होगा।
अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। आज आप शारीरिक और मानसिक रूप से अपने आप को सुदृढ़ महसूस करेंगे। इस समय अपने लक्ष्य व कार्य को प्राथमिकता देंगे। कोई भूमि, भवन, वाहन, संपत्ति की खरीदारी होगी और रूपरेखा बनेगी। रिश्तों में मजबूती बढ़ाने में आपका विशेष योगदान रहेगा। संतान संबंधी किसी नकारात्मक बात को लेकर के वातावरण में कुछ उदासी बनी रहेगी और भावनात्मक रूप से आपको मदद की जो आवश्यकता होगी वह मिल जाएगी। आज व्यवसाय में किसी तरह की पार्टनरशिप के लिए दिन उत्तम है। दिन के दूसरे पक्ष में परिस्थितियां अति अनुकूल हो जाएगी, परंतु कार्यस्थल की आंतरिक स्थिति में कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता है। कर्मचारियों के साथ उचित सामंजस्य बना रहेगा। पति पत्नी का आपसी सहयोग घर परिवार के वातावरण को सुखद और मधुर बना करके रखेगा। प्रेम संबंधों में जल्द ही जो है अनुकूल स्थितियाँ बनने वाली है और उपाय के रूप में घर के मंदिर में मिश्री का भोग लगाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 9 होगा। भाग्यशाली रंग आपका गुलाबी होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। आज आप पूरे मनोयोग द्वारा घर के सभी सदस्यों की जरूरतों को पूरा करने में समय व्यतीत करेंगे। घर का वातावरण खुशनुमा रहेगा। लोग आपको पसंद करेंगे। आपके मन में नए नए विचार उत्पन्न हो सकते हैं। घर और परिवार में आप सामंजस्य बनाकर रखेंगे और लोग आपको पसंद करेंगे। परिवार का सपोर्ट आपके कार्यक्षेत्र में मिल सकता है। आपके रुके हुए पेंडिंग काम आप पूरे करने का प्रयास करेंगे। कार्यक्षेत्र में बहुत अधिक थकान की वजह से स्वभाव में चिड़चिड़ापन उत्पन्न हो सकता है, जिसकी वजह से बाद बाद में आपको गुस्सा हावी होगा। इस समय संतान की गतिविधियों पर नज़र आपको रखना चाहिए और उपाय के रूप में माँ तुलसी जी के पास में शुद्ध घी का दीपक लगाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 3 होगा। भाग्यशाली रंग आपका क्रीम होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। इस समय स्थितियां आपके लिए बेहतरीन हैं। आपके अंदर एक अद्भुत ऊर्जा आप महसूस करेंगे। आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। घर का वातावरण आपके अनुकूल रहेगा। लोग आपको पसंद करेंगे तथा कभी कभी अत्यधिक रोक टोक की वजह से घर के सदस्य आपसे परेशान हो सकते हैं। कोई भी निर्णय करने से पहले सावधानीपूर्वक आपको निर्णय करना चाहिए और उपाय के रूप में हनुमान जी के मंदिर में सफ़ेद रंग का कोई भी फूल चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 2 होगा। भाग्यशाली रंग आपका आसमानी होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। आज का दिन अपने मन मुताबिक गतिविधियों में व्यतीत होगा। प्रभावशाली लोगों के साथ संपर्क आपके स्थापित होंगे, जो कि आगे चलकर आपको ही फायदा देंगे। अपने परिजनों की मदद करना आपके लिए सुखकर लगेगा। विद्यार्थी वर्ग अपनी पढ़ाई के प्रति पूरा ध्यान देंगे। दोपहर बाद कोई चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसकी वजह से नज़दीकी मित्र के साथ में कहा सुनी होना संभव है। युवाओं को मौज मस्ती की अपेक्षा अपने कैरियर और भविष्य संबंधी योजनाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कैरियर तथा कार्यक्षेत्र में बेहतरीन आप अथक प्रयास करेंगे और आपको अपने इन प्रयासों का उचित लाभ भी प्राप्त होगा। और उपाय के रूप में माँ दुर्गा के मंदिर में हल्दी चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 6 होगा। भाग्यशाली रंग आपका पीला होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आज आप अधिक से अधिक समय अपने परिजनों के साथ व्यतीत करने का प्रयास करेंगे। घर में किसी धार्मिक आयोजन संबंधी योजनाएं भी बनेगी। नेतृत्व करने की आपकी क्षमता द्वारा कई कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाएंगे। इस समय खर्चों की अधिकता बनी रहेगी, जिसकी वजह से कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है। किसी भी वाद विवाद संबंधी स्थिति में शांत बने रहना ही उचित है। उत्तेजना अधिक होने से आपको जो है गुस्सा आएगा, इसलिए अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। उपाय के रूप में मां दुर्गा के मंदिर में सिंदूर चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 9 होगा। भाग्यशाली रंग आपका गुलाबी होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। आज अधिकतम समय व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में आपका व्यतीत होगा। साथ ही सफलता मिलने से मानसिक शांति का आप अनुभव करेंगे। आज का दिन पारिवारिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से शुभ फलदायक रहेगा। किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा। उपाय के रूप में गाय को गुड़ चने की दाल खिलाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 8 होगा। भाग्यशाली रंग आपका सफ़ेद होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर रखने के लिए अपना आत्म अवलोकन अवश्य करें। इससे आपके अंदर मानसिक ऊर्जा व शांति का संचार होगा।
आर्थिक दृष्टि से दिन बहुत उत्तम है। दृढ़ निश्चय होकर काम करने से आपकी योजनाएं अवश्य ही फलीभूत होगी। दूसरों की बातों में ध्यान देने की अपेक्षा अपनी कार्य क्षमता पर आपको ध्यान देना चाहिए। उपाय के रूप में हनुमान जी के मंदिर में नारियल और लाल फूल चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 8 होगा। भाग्यशाली रंग आपका हरा होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। प्रॉपर्टी के लेनदेन संबंधी कुछ कार्य संपन्न हो सकते हैं। घर के बदलाव संबंधी विषयों पर भी महत्वपूर्ण चर्चा होगी। दिन का कुछ समय परिवार के साथ मनोरंजन व स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों में व्यतीत होगा। किसी पुराने मुद्दे को लेकर के आप ज़्यादा ही एग्रेसिव हो सकते हैं, इसलिए अपने स्वभाव पर आपको नियंत्रित रखना चाहिए और दूसरों की झमेलों से आपको दूर रहना चाहिए। किसी भी विवादित व्यक्ति का साथ आपको नहीं देना चाहिए। उपाय के रूप में यदि आप भगवान गणेश जी के मंदिर में गुड़ चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 7 होगा। भाग्यशाली रंग आपका केसरिया होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। दिन आपके लिए बहुत उत्तम है। घर के बड़े बुजुर्गों का प्रेम तथा आशीर्वाद बना रहेगा। बच्चों को आपके मार्गदर्शन से विशेष सफलता प्राप्त होगी। किसी किसी समय आप आलस्य की वजह से कुछ काम नज़रअंदाज कर देंगे, जिसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। इस समय आपका आत्मविश्वास व कार्यक्षमता को मजबूत बनाकर रखना अति आवश्यक होगा। उपाय के रूप में भगवान विष्णु जी के मंदिर में एक केला या कोई भी फल चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 4 होगा। भाग्यशाली रंग आपका आसमानी होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल और उनको करने वाले उपाय तथा भाग्यशाली अंक और भाग्यशाली रंग हमने आपको बताए हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।